तो आज की वीडियो में सेंटेंस वर्क के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वाक्य ए ग्रुप sense is called sentence. Sentence शब्दों का जो पूर्ण और उसे वाक्य कहते हैं। A group of words which make independent and completed sense is called sentence. शब्द का वह समूह जो पूर्ण और स्वतंत्र भाव बनाता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस वाक्य की वाक्य का वर्गीकरण ये तीन प्रकार का होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसे पॉजिटिव में मैं जाता हूँ आई गो। इंट्रोगेटिव मैं नहीं जाता आता हूँ आई डोंट गो। इंट्रोगेटिव क्या मैं जाता हूँ डू आई गो। फॉर्म ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सेंटेंस वाक्य की रचना वाक्य की रचना ये भी तीन प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
A B C. Subject, जैसे जैसे मोहन खेल रहा है, खेल कौन रहा है, मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया। तुम बोल रहा हो, तुम बोल रहे हो, बोल कौन रहा है, तुम, ये सब्जेक्ट हो गया। मेरे पिता दादी जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, मेरे पिताजी। सब्जेक्ट मारता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सिंगल फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पर्सन स्पीकर, स्पीकर सुनने वाला, स्पीकर बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन स्पीकर बोलने वाला। सेकंड, आइए मैं भी हम लोग, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन पर्सन लिस्टर, लिस्टर सुनने वाला, ने वाला सुनने वाला, जैसे यू तुम, यू तुम लोग, थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, बोला जाए जैसे ही सी ऐसे इट राम सीता, प्लूरल में होगा दे बहुत बॉयज गर्ल्स गर्ल्स इट्स भर्ब बी वर्ब, वर्ब मतलब बोलना, बोलना खेलना जाना, बोलना स्पीक स्पीक खेलना प्ले प्ले जाना गो, ये वर्ब है। वर्ब दो प्रकार का होता है, वर्ब वर्ब दो प्रकार का होता है, देर
There are two kinds of verb दो प्रकार का होता है. मैन verb इससे निकलता है दो verb. एक मैन verb verb एक मैन verb एक प्रिंसिपल verb. प्रिंसिपल verb इसे हेल्पिंग verb भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल verb को एक्सिलरी verb भी बोलते हैं. अब दो प्रकार का verb है. verb कल के क्लास में verb के बारे में बताया जाएगा डिटेल्स. ओके.